15 अगस्त के शुभ अवसर पर मलई डैम का नाव पर नौका विहार करते हुए और आनंद लेते हुए हम लोग दोस्तों के साथ में सुनील सर हैं और हमारे निरंजन सर हैं। झारखंड के पलामू जिला स्थित सतबारवा में मुरमा में मलई डैम है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। का वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, मलई डैम के पूरी सैर करते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है यह। तब बरसात के दिनों में पानी लबालब भर जाता है और कैनाल से पानी बाहर जाता है, ओवर फ्लो करता है। यह दृश्य देखने योग्य होता है। इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तालाबों के विषय में नेहरू जी कहा करते थे, तालाब भारत का आधुनिक मंदिर है। तालाब से किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलता है, बिजली उत्पादन होता है, मछली पालन होता है। तालाब पर नाव चलाए जाते हैं और यह मनोरंजन का भी साधन है। चलिए दोस्तों, नाव पर सैर करते हैं, वीडियो पर बने रहें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मलई डैम का नाव पर नौका विहार करते हुए और आनंद लेते हुए हम लोग दोस्तों के साथ में सुनील सर आए और हमारे निरंजन सर हैं और बाकी दोस्त हैं। हम लोग आस पास गई है पलामू का, यह बहुत शानदार देख सकते हैं नज़ारा है। यह मिनी समुंदर भी इसको कह सकते हैं, पलामू का मिनी समुंदर, मिनी समुंदर भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत दृश्य है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर मलई डैम का नौका बिहार पर आप आनंद ले सकते हैं। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग दोस्तों के साथ में। और ये आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मलई डैम को हम पूरे दृश्य को बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे, आप जितना नज़र आ रहा है वह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हमारे टीम के सबसे बहुत ही खूबसूरत और थोड़े से यहाँ रखे झंडा, खूबसूरत नज़ारा देखिए। ये है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं। आप बहुत पीछे लोग हैं, वहाँ पर बांध है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऐतिहासिक पल। पहली बार नाव 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 पर नौका विहार करते हुए नौका पलामू और बिहार नहीं बोले। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पर एक टापू बना हुआ है, स्थान पर है जैसे श्रीलंका टापू पर है उसी पर का श्रीलंका करते हुए पूरा समुंदर को फिर इंडिया लौटेंगे। अभी फिलहाल श्रीलंका पर है। बहुत खूबसूरत दृश्य, बड़ा मजा आ रहा है। और निरंजन सर चालक तो बहुत बार चालक करते हुए बहुत खूबसूरत दृश्य आप पीछे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी जैसे दिखाई दे रहा है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक टापू है। अब हम लोग नाव का भ्रमण कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं जहाँ से पानी ओवर फ्लो करता है।
तरफ जाता है। यह खूबसूरत दृश्य देखने योग्य होता है। आज पानी कम है, यहीं पर से एक युवक बह गया था जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। आप भी सावधान रहिए, अपनी जान को जोखिम में न डालें। कोरोना काल में बहुत भीड़ उमड़ रही है, आप भी सावधान रहें, बचे रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।